सबको पता है कि एशिज की शुरुआत बहुत पहले हुई थी और इसको कहा जाता है सबसे पुराना क्रिकेट राइवलरी, जिसमें भिड़ते हैं दो बड़े देश ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। और जब भी एशिज का सीरीज खेला जाता है सब क्रिकेट प्रेमियों की नजर इसी सीरीज में रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एशिज को एशिज क्यों कहा जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी और क्या है इसकी हिस्ट्री? अगर नहीं पता तो इस वीडियो में हम सब आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1877 में खेला गया था पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मेलबर्न में, लेकिन वो नौवां टेस्ट मैच था जिसने नींव रखी थी द एशिज की। 1882 में खेला गया था वो टेस्ट मैच द ओवल लंदन में और ये टेस्ट मैच काफी लो स्कोरिंग था, मात्र 85 रन चाहिए थे इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, लेकिन मात्र 77 रन ही बना पाए इंग्लैंड, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में पहली बार हराया था 7 रनों से। और इसी के साथ एक अखबार में शोक समाचार के तौर पर लिखा गया था कि इंग्लिश क्रिकेट मर गया, शरीर का अंतिम संस्कार होगा और जो राख है उसको लेके जाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और जो ओरिजिनल आर्टिकल लिखा गया था उसमें कुछ ऐसा लिखा गया था, इंग्लिश क्रिकेट हैड डाइड, द बॉडी विल बी क्रिमेटेड एंड द एशेज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया। और इस तरह से पहली बार द एशेज शब्द का उपयोग हुआ था और द एशिज शब्द को और आग दी इंग्लैंड के कप्तान ईबो मिल्स ने, और उन्होंने ये वचन लिया था कि वो उस एशिज को दोबारा हासिल करेंगे और ऐसा करते हुए दिखे भी, क्योंकि जब 1882 और 83 में इंग्लैंड ने दौरा किया ऑस्ट्रेलिया का तब इंग्लैंड ने जीत हासिल की 3 मैचों के टेस्ट सीरीज में 2-1 से। और तीसरे मैच के बाद जब इंग्लैंड के कप्तान ईबो मिल्स को दिया गया सम्मान और गिफ्ट मेलबर्न के कुछ लेडीज द्वारा उनको दिया गया था एक कलश जिसको आजकल हम कहते हैं एशिज अर्न, और कहा जाता है कि उसमें था वेल्स का जलाया हुआ राख, और इस तरह से वो जो एशिज जो एक तरह से एक पर्सनल गिफ्ट था इंग्लैंड के कप्तान ईबो मिल्स को, वो कहीं ना कहीं ट्रॉफी बनता हुआ दिखा है आजकल हमको। इसके बाद 1983 से 20 साल तक 1903 तक द एशिज शब्द का ज्यादा यूज नहीं किया गया, लेकिन एक बार फिर से 1903 में जब इंग्लैंड को करना था दौरा ऑस्ट्रेलिया में तब इंग्लैंड के ही कप्तान पेलहम वार्नर ने एक बार फिर से वचन दिया कि वो एशिज को दोबारा हासिल करेंगे और इंग्लैंड ऐसा करता हुआ दिखा भी, क्योंकि जो 5 मैचों का टेस्ट सीरीज खेला गया था वो उसको 3-2 से जीत लिया था इंग्लैंड ने। और इसके बाद पेलहम वार्नर ने तो एक बुक भी बिल्कुल पब्लिश की थी जिसका नाम था हाउ वी रिकवर्ड द एशिज, और इसी के साथ द एशिज शब्द फिर से एक बार हमको उजागर होता हुआ दिखा और उसके बाद लगातार द एशिज शब्द का यूज होता है जब भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का सीरीज खेला जाता है टेस्ट फॉर्मेट का। द एशिज के अभी तक 71 सीरीज खेले जा चुके हैं जहां 33 बार जीत मिली है ऑस्ट्रेलिया को और 32 बार इंग्लैंड को, और मात्र 6 ही सीरीज रहा है अभी तक ड्रॉ। और आपको तो पता ही होगा कि जो 72वां सीरीज है एशिज 2021 और 22 उसकी शुरुआत हो चुकी है 8 दिसंबर से, और लग रहा है कि यहां पे ज्यादा हावी होता हुआ दिखेगा हमको ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कि एशिज की हिस्ट्री में हमको दिखे हैं इनके गेंदबाज और बल्लेबाज भी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि एशिज की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है तो वहां पे नाम नजर आता है लेजेंड डॉन ब्रैडमैन का, जिन्होंने 37 मैचों में बनाए हैं 5028 रन, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा 19 शतक भी इन्हीं के नाम है। तो वहीं पे विकेट चटकने के मामले में भी सबसे ज्यादा नाम नजर आता है ऑस्ट्रेलिया के ही लेजेंड शेन वॉन का, जिन्होंने 36 मैचों में 195 विकेट चटका हुआ है और 11 बार उन्होंने 5 या 5 से ज्यादा विकेट चटका है एक मैच में। तो ये तो दोस्तों रही कुछ बात एशिज से जुड़ी, कुछ हिस्ट्री और कुछ रिकॉर्ड्स, लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त पे कौन ज्यादा हावी दिखने वाला है, या फिर जो हाल ही में चल रहा है सीरीज क्या उसमें पलटवार होता हुआ दिखेगा आपको इंग्लैंड की तरफ से, या फिर एक बार फिर से हावी होता हुआ दिखेगा हमको ऑस्ट्रेलिया? जो भी है आपके विचार आप बता सकते हैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ ये वीडियो और किसी भी तरह से लगा आपको अच्छा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा, और सबसे खास बात हमारे चैनल क्रिकेट दादा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलेगा उस घंटी के साथ, क्योंकि लगातार हम जुड़ते रहेंगे ऐसे ही रोमांचक वीडियोस के साथ और मिलते रहेंगे आपसे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं गैंग्स लेता हूं आपसे विदा, गुड बाय एंड टेक केयर।